ये प्योर ऑर्गेनिक कॉफी है, ब्लैक कॉफी है, और ये मैंने बनाई भी इस कप में इसलिए है ताकि आपको पता लगे इसमें कोई चीनी नहीं डली हुई। ये मेरे लिए कौन साहब लाए, कैसे लाए, ये आपको अगली डिटेल्स में ये मिलेंगे। ये रोस्टेड कॉफी है, ये रोस्ट करके बनाई गई है, रोस्टेड वो थी, ये देखें ऊपर गर्म पानी डाला है और गर्म पानी के बाद ये ब्लैक कॉफ़ी है। इट इज़ वेरी गुड फॉर फैटी लिवर पेशेंट्स, इट इज़ वेरी गुड फॉर लिवर ओवरऑल, किसी भी जिगर की बीमारी के लिए ये बेहतरीन कॉफ़ी है। अब आगे वीडियो देखिए। वह कहते हैं इंसान जो चीज़ें पसंद करता है ना, लोग उसके लिए वही लाते हैं। ये भाई मेरे लिए कोयटा से, चमन से लाए हो, कोयटा सिटी से, तो ये कोयटा का मशहूर ड्राई फ्रूट लेके आए। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ ये मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट जो है ना, दे आर वेरी गुड फॉर लिवर पेशेंट्स, इवन फैटी लिवर के भी हों, इससे ज़्यादा नहीं खाने। हम लोगों को ना ये बेड साइड पे रखे होते हैं और हम बहुत ज़्यादा नट्स खा जाते हैं, चाहे जिगर सुकड़ा हुआ है, नहीं सुकड़ा हुआ, कोई आर्जा है या नहीं, मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स आर गुड फॉर योर हेल्थ। बट इससे ज़्यादा खाएंगे तो आप अपने आप को ओवर कैलरीज देंगे जो कि बजाय नुकसान के बैकफायर कर जाएंगी। ठीक है, तो ये मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स, और इन ड्राई फ्रूट्स का मुझे मज़ा ये लगता है इसमें सब है, किशमिश है, पिस्ता है, काजू है, अखरोट है, सब है। और जगर अगर आप ये सिर्फ़ एक मुट्ठी भर, मुट्ठी भी छोटी है, ये नहीं जिन वाली मुट्ठी, ठीक है, तो मुट्ठी भी छोटी, हल्क वाली मुट्ठी नहीं, उस मुट्ठी भर अगर आप ये खा रहे हैं तो दे आर ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, तो ये ज़रूर खाएं, जिगर के मरीज़ भी सारे भी। फिर ये भाई मेरे लिए का क्या लाए, एप्पल लाए, कहाँ से लाए, अनार, अनार लाए हैं, अनार लाए हैं। ठीक है, और कहाँ से लाए, साहिवाल से अनार लेके आए। ठीक है, वो कह रहे कॉफ़ी भी लेके आए, कॉफ़ी दिखाएं बाबा, किधर है कॉफ़ी, हाँ, और ये स्पेशल कॉफ़ी लेके आए, और ये प्योर ऑर्गेनिक के कॉफ़ी बैग्स हैं। अब मैं फिर कहता हूँ, मैं बार बार कैमरे में कहता हूँ, इसको खोलें, आई एम नॉट अगेंस्ट कॉफ़ी बट आई एम अगेंस्ट ड्रिंकिंग कॉफ़ी इन जीले वाली मक्खन मलाई, और वो जो कूट कूट के वो बना रहा होता है, और वो मलाई और वो मक्खन और वो उस तरह नहीं, क्रीमी, और ये ग्लोरिया जीन्स या ये सारे जो क्रीमी कॉफ़ीज़ बनाते हैं वो नहीं। आप ये एक ब्लैक कॉफ़ी का सेशन लें एंड इफ़ यू टेक इट इन, आयशा लेके आओ मेरे लिए, ये आप एक कॉफ़ी गर्म पानी में ये डालें और इसको बना के पिए, एंड इट्स गुड एंड इट स्मेल्स वेरी गुड। ठीक है, अब इवन अगर आपको बहुत ही दूध पीने का है तो मलाई उतार कर, ये मैं ब्रांड इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये ऑर्गेनिक कॉफ़ी है, ऑर्गेनिक कॉफ़ी है, इसकी क्वालिटी क्या क्या है। सर ये टोटली ऑर्गेनिक है, कोई डिफाइंड नहीं है, ये मतलब जो है प्योर कॉफ़ी है, हम खुद ही इम्पोर्ट करते हैं। ठीक, बेसिकली मेरे दोस्त का स्टार्टअप है, तो काफ़ी देर हो गई उसको, 2-3 साल हो गए हैं, वो खुद इम्पोर्ट करवाता है, उसको खुद ही रोस्ट करता है, और मतलब सारा कुछ खुद करता है, कोई मतलब रिफाइंड नहीं होती है इसकी। ये प्योर कॉफ़ी है जनाब, ये फ्रेशली रोस्टेड बीन्स है, ये उसने कल मेरे सामने ही रोस्ट की थी, जस्ट रोस्ट की थी, और ये रोस्ट, अच्छा ये खुद उन बीन्स को रोस्ट कैसे करते हैं, मशीन है उसमें, मतलब रोस्टर होता है, मतलब बाहर से इम्पोर्ट करवाई हुई है, अच्छा गैस वगैरह लगी होती है, वो 15-20 मिनट में रोस्ट करके खुद ही बाहर निकालती है, फिर ठंडी भी करती है, उसके बाद फिर वो उसे क्या कहते हैं, रोस्टर मशीन कहते हैं, रोस्टर मशीन और कॉफ़ी, ये तस्वीर लगाएगा मेरा एडिटर, मेरी एडिटर आयशा, तो ये जो है रोस्टर मशीन की जो है ये वो करके, और इसको सिर्फ हमने डिप करना है, और ये ब्लैक कॉफ़ी बेहतरीन तैयार, दिखाएं, हाँ हाँ बताएं, जो है ना कप मग में साइडों में लगा देना, इसके नतीजे आप, अच्छा 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 अच्छा, इसे मग के साइडों पर लगा कर, आयशा मग पड़ा, चलो एक ग्लास पड़ा है, ठीक है, ये डिस्प्रीन की 2 गोलियां पी हैं, डॉक्टरों की ज़िंदगी भी आसान नहीं होती, इतने इतने लाओ, करीब लाओ, ये लगा के इस तरह, ठीक है ना, इस तरह आप लगाएंगे और इसके अंदर आप गर्म पानी डालेंगे तो नीचे कॉफ़ी बन जाएगी। ठीक है, आप अगर लो फैट मिल्क बाज़ार से ले लें, या लो फैट मतलब ऊपर से चिकनाई रिमूव करके गर्म दूध भी अगर इसके अंदर डालेंगे, तो दिस इज़ एडवाइजेबल आधा कप रात को बग़ैर चीनी के। अगर बहुत ही ज़्यादा तिड़क हो रही है मीठा पीने की, तो इसमें आप वो भी डाल सकते हैं, स्टीविया ऑर्गेनिक जो है, स्टीविया तस्वीर लगाएगी आयशा, स्टीविया डाल सकते हैं, तो वो आप डाल के पी सकते हैं, एंड दिस कॉफ़ी इज़ हाईली रिकमेंडेड। तो जब आप अपनी डाइट को ऐसे कर लेते हैं ना, तो तोहफे भी यहोजे ही आते हैं,
और ये कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं है, कोई पैसे लिए हैं, कोई दिए हैं, कोई नहीं है, तोहफा लाया ना, तोहफा लाया सर उनको, तो मैंने बल्कि सारी फीस भी वापस की है, ऐसे ही है ना। तो ये है कि ज़िंदगी में तो आपके लिए तोहफे भी ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी को इस थैले की तरह कर लें, ऑर्गेनाइज। डॉक्टर अफान गैसर साइनिंग ऑफ।